हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशियोलॉजी क्लास. टुडेज लेक्चर इज़ ऑन क्लैन, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारा जो फोर्थ लेक्चर है वो है ट्राइब एंड क्लैन के ऊपर. उससे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि क्लैन का मीनिंग क्या है. आप लोगों को ऑलरेडी मैं ट्राइब समझा चुकी हूँ, पर एग्ज़ाम में कभी कभी क्लैन जो है वो अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको एज अ सेपरेट टॉपिक भी स्टडी कर रहे हैं. लेट्स बिगिन द लेक्चर. इंट्रोडक्शन. Clan is a unilineal descent group in which a person claim common descent from an ancestor, either from male or from female side, but not from both. Clan एक unilineal descent group है, मतलब एक जिसके through आप अपने ancestors को trace कर सकते हो. यहाँ पर अभी इतना मैं deep नहीं समझाऊँगी कि unilineal descent, lineage and all. विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन दैट. फिलहाल के लिए इट्स अ यूनिलीनियर, मतलब एक लीनियर, एक सिंगल लाइन से आप जो है अपने एंसेस्टर को ट्रेस कर सकते हो, या आप मेल साइड से या आप फीमेल साइड से. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैन, बट नॉट फ्रॉम दी बोथ साइड. इन अ सिंपल वे क्लैन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप दैट इज़ फॉर्म बाई द लीनियजेस, ईदर द पेट्री लीनियजेस और मेट्री लीनियजेस. क्लैन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? क्लैन फॉर्म होता है बहुत सारे लीनियजेस से, या तो वो पेट्री लीनियज होंगे या तो वो मेट्री लीनियज होंगे. लीनियज जो है जहाँ से आप अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस कर सको, चाहे वो मेल साइड के हो या फीमेल साइड के हो. क्लैन इज ऑल्सो नोन एज सिब, जिसको हम गोत्र भी बोलते हैं. क्लैन, ठीक है, गोत्र आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा गोत्र का मतलब क्या है. आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी इससे कि क्लैन का मीनिंग क्या है. द मीनिंग ऑफ क्लैन वॉज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जेंस विच मीन्स यूनिलीनियर ग्रुप. जो क्लैन का जो मीनिंग है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, जिसको हम जेंस बोलते हैं, विच मीन्स यूनिलीनियर ग्रुप. यूनिलीनियर का मतलब होता है सिंगल लाइन, वन लाइन. लीनियर मीन्स एक लाइन, एक साइड से जब हम किसी चीज़ को ट्रेस करें. बट इन इंग्लिश इट मीन्स पेट्रीलिनियल ग्रुप. जेंस का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? इट मीन्स पेट्रीलिनियल ग्रुप. द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज द टर्म क्लैन फॉर मेट्रीलिनियल ग्रुप एंड जेंस फॉर पेट्रीलिनियल ग्रुप. जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया हुआ है, जो क्लैन है वर्ड वो किसके लिए यूज़ किया हुआ था? मेट्रीलिनियल ग्रुप के लिए, और जेंस जो है वो पेट्रीलिनियल ग्रुप. दस क्लैन एंड जेंस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सिब. दस क्लैन एंड जेंस टुगेदर मेक अ सिब. अब क्लैन का मतलब क्या है? क्लैन इज अ यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप जिसके थ्रू पर्सन जो है अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस करते हैं कि उनकी जो प्रोजेनी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई. क्या या मेल साइड से ट्रेस करते हैं या तो वो फीमेल साइड से ट्रेस करते हैं. और जब बहुत सारी लीनियजेस जो है जब वो मिलती है तो क्लैन बनता है. क्लैन को हम लोग क्या बोलते हैं? गोत्र. डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली बहुत सारी, ठीक है, मिलके डिफरेंट लीनियजेस बने, और ये सब लीनियजेस मिलके जो है वो क्लैन की फॉर्मेशन होती है. अब क्लैन जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? बहुत सारे लीनियजेस. और लीनियज कैसे बनते हैं? बहुत सारी फैमिलीज, जैसे आपकी फैमिली होगी, आपके रिलेटिव्स होंगे, आगे और भी कोई होगा, तो वो बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक लीनियज की फॉर्मेशन होती है. लीनियज में फिर अलग फैमिलीज आ जाती है. फिर लीनियज के बाद जब बहुत सारी लीनियजेस बनती हैं, उसके बाद वो क्लैन की फॉर्मेशन होती है. मतलब क्लैन में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज आती हैं. नाउ मजूमदार एंड मदान हैव डिफाइंड क्लैन बाय सेइंग दैट अ सिब और क्लैन इज ऑफन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू लीनियजेस and descent who may be ultimately traced to a mythical ancestor who may be a human or human-like animal, plant or even inanimate. मजूमदार और मदान ने कैसे डिफाइन किया क्लैन को? क्लैन जो है या वो सिब है या वो क्लैन है, जो बहुत सारी लीनियज से मिलके बनता है. और जो डिसेंट है हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं? थ्रू अ मिथिकल एंसेस्टर. मिथिकल एंसेस्टर का मतलब है जिनको जस्ट आप इमेजिन करो इन अ मिथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बोल देगा हम लोग माउंटेन्स हमारे एंसेस्टर हैं, या वो किसी एनिमल की बात कर लेंगे, या प्लांट की बात कर लेंगे, या लीव की या फेदर की. उस तरह से जो है वो अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस करते हैं. जब हम लीनियज की बात करते हैं वहाँ पे लिविंग एंसेस्टर होते हैं, पर जब हम लोग क्लैन की बात करते हैं वहाँ पे मिथिकल एंसेस्टर्स होते हैं. विलियम पी स्कॉट
विलियम पी स्कॉट ने क्या कहा है, क्लैन रेफर्स टू अ यूनिलेटरल किन ग्रुप बेस्ड ऑन ईदर मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल डिसेंट। क्लैन वो यूनिलेटरल ग्रुप है, यूनिलेटरल का मतलब है जब आप एक साइड से किसी चीज़ को ट्रेस करो, बायलेटरल जब दोनों साइड से आप ट्रेस करो, बट क्लैन जो है वो यूनिलेटरल किन ग्रुप है जहाँ से अपने रिलेशंस को ट्रेस कर रहे हो, या वो मदर साइड से होंगे या फिर वो फादर साइड होंगे। अगर मदर साइड से बोलोगे तो मैट्रिलिनियल, अगर फादर साइड से बोलोगे तो पैट्रिलिनियल डिसेंट। अगर मदर साइड से क्लैन देख रहे हो तो मैट्री क्लैन, अगर फादर साइड क्लैन देख रहे हो तो पैट्री क्लैन। अकॉर्डिंग टू आर एन शर्मा, अ क्लैन इज दैट कलेक्शन ऑफ यूनिलेटरल फैमिलीज हुज मेंबर्स बिलीव themselves to be the common descendants of a real or mythical ancestor. Again वही बात आ जाती है, क्लान जो है वो किसका कलेक्शन है, यूनिलेटरल फैमिलीज का, जिसके मेंबर्स ये बिलीव करते हैं कि हम लोग कहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है, एक कॉमन descendant या फिर एक कॉमन ancestor जो कि रियल भी हो सकता है और मिथिकल भी हो सकता है। अ क्लान इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग द अथॉरिटी ऑफ हेड of the clan is accepted, he exercises control on the entire property and function, also as a priest, clan is an exogamous social group. अब clan में क्या है, एक clan देखो, जब आप किसी के साथ connected हो आपको ये लगता है कि आप आपका जो origin है that is from the same ancestor, आप कहीं ना कहीं connection feel करते हो with that person, तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी एक आप में क्या होती है, एक वी फीलिंग तरह की होती है, आप कंसर्न्ड होते हैं एक दूसरे के लिए। और जब हम क्लान की बात करते हैं, क्लान का जो अथॉरिटी होता है वो एक हेड के पास होता है जो कि सारा कंट्रोल करता है कि मतलब किस तरह से मैनेजमेंट होगा या किस तरह से उस ग्रुप की फंक्शनिंग होगी, जिसको प्रीस्ट बोलते हैं। और क्लान की अगर हम बात करें, दैट इज़ एन एक्सोगैमस सोशल ग्रुप, एक्सोगैमस एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, एंडोगैमी मीन्स विद इन द ग्रुप, एक्सोगैमस मीन्स आउटसाइड द ग्रुप। जब हम एक्सोगैमस की बात करते हैं तो क्लैन जो है, जब हम सेम एंसेस्टर से किसी को ट्रेस कर रहे हैं, दैट मींस वो कहीं ना कहीं उनका जो है ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन बन जाता है, इसीलिए दे डोंट मैरी विद इन देमसेल्फ, इसीलिए जो है हम क्लैन को क्या बोलते हैं, एक्सोगैमस सोशल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू जॉन लेविस, मेंबरशिप इन क्लैन डिपेंड्स ऑन किनशिप थ्रू वन पेरेंट। जॉन लेविस के अकॉर्डिंग जो मेंबरशिप है क्लान पे वो किस तरह की होती है, फ्रॉम वन साइड ओनली। पहले ही बता दिया कि जो क्लान है वो क्या है, यूनिलिनियल यूनिलेटरल किन ग्रुप है, तो मतलब जो मेंबरशिप होगी वो वन पेरेंट साइड होगी। अगर अगर हम मदर साइड देखें तो अगेन मैट्री क्लान, अगर हम फादर साइड देखें तो पैट्री क्लान। मेंबरशिप कैसे डिपेंड करेगी, या तो मैट्री क्लान या तो पैट्री क्लान। इट इज़ ऑफ एन एक्सोगैमस, अगेन एक्सोगैमस इन नेचर है। इट प्रोवाइड्स म्यूचुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट, मैरिज रेगुलेशन, रिलीजन, सेरेमनीज, प्रॉपर्टी रेगुलेशन एंड सोशल कंट्रोल। सम अथॉरिटीज रिक्वायर नॉट ओनली अ रूल ऑफ डिसेंट बट ऑल्सो अ डेफिनेट प्लेस ऑफ रेजिडेंस और लोकेलिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन। जब हम लोग रूल ऑफ डिसेंट मतलब जहाँ से हम ट्रेस करते हैं रिलेशंस को, वहाँ पे हमें कभी कभी रेजिडेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको डिफाइन करने के लिए, लोकेलिटी की भी। कभी कभी ऐसा भी होता है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है एंड दे हैव द सेम क्लान या वॉट एवर, वो कहीं ना कहीं रिजाइड करते हैं एक ही जगह पे, तो हम उसके बेसिस पे भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं क्लान को। इन बिहार एंड बंगाल संथल ट्राइब हैज़ मोर देन 100 क्लान्स। आपको याद रखना है संथल ट्राइब है जिनके कितने क्लान्स हैं, 100 क्लान्स हैं। The Echo tribe has 50 clans. Echo tribe के 50 clans हैं। These clans trace their origin from a tree. अब उनके लिए clan क्या है, tree है, that is not the living person. इसलिए पहले ही मैंने आपको समझा दिया हुआ था कि जब हम clan की बात करते हैं, clan में जो ancestor होते हैं वो कौन से होते हैं, तो mythical ancestors होते हैं, real भी हो सकते हैं, mythical भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो clan है वो क्या है, उनके लिए Echo tribe में tree, plant, animal or some inanimate objects. The Mundo tribe has 65 clans. The Bills of Western India are reported to have 38 clans. These clans are related to wild animal, trees and plants. Next, Majumdar and Madan have enumerated 8 clans in Kharia tribe. These include Khoran, jo ek stone hota hai, Mayur, Crocodile, Samad, Deer, बरलेहा,
फ्रूट, चरड, हंसड, मेल एंड टेपना, ऑल बर्ड्स, ये सारे बर्ड्स के नाम आ गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उनके लिए क्लैन है। एमंग द तमारियाज द क्लैन नेम इज़ रिलेटेड टू अ गोस्ट एनिमल और प्लांट। फॉर एग्जाम्पल द ऑरिजिन ऑफ अ पंडू विंग गोत्र एमंग दीज पीपल इज ट्रेस टू अ लीफ। जो तमारिस की अगर हम बात करें, जो क्लैन है उसको जो है वो कहाँ से ट्रेस करते हैं, थ्रू अ लीफ। मतलब क्लैन जो है, अगेन वही बात आ जाती है, जो क्लैन में जब हम लोग एंसेस्टर की बात करते हैं तो वो रियल भी हो सकते हैं और मिथिकल भी हो सकते हैं। मिथिकल किस तरह से, स्टोन फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट, बर्ड्स, लीफ, माउंटेन, रिवर, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लैन। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लैन ऑन द बेसिस ऑफ द लीनिएजेस। वो कौन से है, मैट्री क्लैन और पेट्री क्लैन। नाउ मैट्रिलिनियल क्लैन, अब वो क्या होते हैं, इन दिस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन वूमन आर हेल्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ वन क्लैन। मतलब एक वूमन के जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या आते हैं, वो एक क्लैन में आते हैं। एट द सेम टाइम द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द वूमन आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ दिस क्लैन। जो उस वूमन के सिस्टर हैं या ब्रदर हैं वो भी इसी क्लैन में आते हैं। इन दिस वे अ मैट्रिलिनियल क्लैन इंक्लूड्स द वूमन एंड हर ऑफस्प्रिंग्स, हर सिस्टर एंड देयर चिल्ड्रन। अब इस क्लैन में, मैट्रिलिनियल क्लैन में क्या होता है, वोमन के आगे फर्दर जो उसकी प्रोजेनी होगी, बच्चे होंगे, वो उसकी सिस्टर एंड आगे जो सिस्टर के चिल्ड्रन होंगे वो। बट इस वाले क्लैन में, मैट्रिलिनियल जो क्लैन है उसमें वोमन के जो ब्रदर के बच्चे हैं वो नहीं आएंगे। इसमें आप सिर्फ कहाँ से फॉलो करोगे, सिर्फ मदर साइड, मतलब मदर, मदर के आगे ऑफस्प्रिंग्स, देन उसकी अगर सिस्टर है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स, फिर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें अगर जो भी बच्चे हैं वो, फिर आगे जो उनके आगे जो डॉटर्स होंगी वो, फिर आगे डॉटर्स के बच्चे, पर इसमें ब्रदर के बच्चे नहीं इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पेट्री क्लैन, पेट्रिलिनियल क्लैन, उसमें क्या है, इन दिस क्लैन आर इंक्लूडेड द मैन, हिज चिल्ड्रन, मैन के बच्चे। यहाँ पे मे, जब हमने मैट्री की बात की वहाँ पे हमने वुमन की बात की, बट अब जब पेट्री की बात करें वहाँ पे हम मैन की बात करें। अब मैन के बच्चे, उसके ब्रदर एंड सिस्टर एंड द चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर्स बट नॉट ऑफ द सिस्टर्स। अब इस क्लैन में क्या होगा, इस क्लैन में मैन, मैन के बच्चे, उसके भाई, उसकी बहन और किसके बच्चे, ब्रदर के बच्चे, बट बच्चे जो है सिस्टर्स के इंक्लूड नहीं होंगे। क्लैंस डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट ग्राउंड्स, द मेन ग्राउंड्स अमंग देम आर फॉलोइंग। अब क्लैन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जिनमें से कुछ नेम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर द नेम्स ऑफ सेंट्स, कुछ के जो नेम्स हैं वो किसके बेसिस पे हैं, सेंट्स के, फॉर एग्जाम्पल शांतल्या और भारद्वाज। और कुछ के जो नेम्स हैं वो टोटम के ऊपर बेस्ड है, आफ्टर द नेम्स ऑफ द टोटम सच एस कुंजम एंड नाग सोरी। ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूट नेम सच एस कमार और जगत। ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी महानाद्या एंड जॉन पोरिया। तो ये सारे नाम हैं, आप इनको जैसे प्रोनाउंस करना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैन, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैन आर गिवन बिलो। सबसे फर्स्ट वन इज़ एक्सोगैमस ग्रुप, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। द क्लैन इज़ एन एक्सोगैमस ग्रुप सिंस ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव देमसेल्व्स टू बी द डिसेंडेंट्स फ्रॉम एन एंसेस्टर। कॉन्सिक्वेंटली दे डू नॉट मैरी एनी मेंबर ऑफ देयर क्लैन, मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड ओनली आउट ऑफ वंस ओन क्लैन। अब एक्सोगैमस ग्रुप है तो मतलब कि जो जितने भी मेंबर हैं उस क्लैन के, जितने भी लोग उस क्लैन में आते हैं वो बिलीव क्या करते हैं कि वो एक ही एंसेस्टर से उनका ओरिजिन हुआ है, इसी वजह से वो अपने आप को क्या समझते हैं, दैट दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उस उसी रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने क्लैन में शादी नहीं करते, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोगैमस ग्रुप। नेक्स्ट इज द कॉमन एंसेस्टर, द ओरिजिनेशन ऑफ द क्लैन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्शन ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, द एंसेस्टर कैन बी रियल और मिथिकल। अब जब हम कॉमन एंसेस्टर की बात करते हैं तो जो एंसेस्टर है वो भी क्या होंगे, वो या तो रियल होंगे या तो मिथिकल होंगे, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट इज द यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब वन साइड ओनली। द नेचर ऑफ द क्लैन इज यूनिलेटरल, मतलब इन वन क्लैन देर इज ईदर द कलेक्शन ऑफ फैमिलीज ऑन द मदर साइड और ऑफ ऑल द फैमिलीज ऑन द फादर साइड। जब हम यूनिलेटरल ग्रुप की बात करते हैं उसमें क्या होगा, या तो हम लोग जो क्लैन है वो ट्रेस करेंगे फ्रॉम द मदर साइड या तो फ्रॉम द फादर साइड। फैमिली मैट्री क्लैन में क्या होगा, फैमिली सारी मदर साइड या तो फैमिली सारी फादर साइड वाली होगी। नेक्स्ट इज द कंसांजुनियस रिलेशन। अब कंसांजुनियस एक होता है कंसांजुनियस, एक होता है एफिनल। कंसांजुनियस हो गया जो ब्लड रिलेशंस हो गए जैसे फादर मदर सिस्टर, और एफिनल रिलेशंस वो होते हैं जैसे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, तो दीज आर एफिनल रिलेशंस। अब कंसांजुनियस रिलेशन की अगर हम बात करें तो क्लैन जो है जब हम लोग जब वो जितने भी मेम्बर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो एक ही एंसेस्टर से आए हैं, दैट मीन्स दे कंसिडर देमसेल्स अ ब्रदर एंड सिस्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं वो ये कंसिडर करते हैं दैट दे हैव द ब्लड काइंड ऑफ रिलेशन। द मेम्बर्स ऑफ द क्लैन बिलीव इन ब्लड रिलेशन एमंग देमसेल्स बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्टर विच मीन्स दैट दे हैव कंसांजुइनियस रिलेशन। नेक्स्ट इज द एक्सोगैमी। क्लैन इज ऑल्सो एक्सोगैमस इन नेचर बिकॉज ऑफ द ब्लड रिलेशन एमंग मेम्बर्स ऑफ क्लैन, वेदर इट मे बी मेट्री क्लैन और पैट्रिक क्लैन। क्लैन जो है वो एक्सोगैमस इन नेचर है, किस वजह से, क्योंकि उन वो कंसिडर करते हैं दैट दे हैव ब्लड रिलेशंस, ठीक है, या तो मैट्रिलिनियल या तो पैट्रिलिनियल। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ क्लैन बहुत ईजी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द क्लैन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। द मेम्बर्स ऑफ अ क्लैन पोजेस अ वी फीलिंग बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ इन डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। दे आर प्रिपेयर नॉट मेयरली टू असिस्ट वन अनदर बट इवन टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर ईच अदर। व्हेन वन मेंबर ऑफ द क्लैन इज इंजर्ड ऑल द मेंबर्स शेयर देयर पेन। म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोटेक्शन की बात करें, अब जो क्लैन के मेंबर्स हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, वो आपस में उनका जो है रिलेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ वन कॉमन एंसेस्टर, जिसकी वजह से उनमें वी फीलिंग है। और वो क्या करते हैं, जब भी कोई किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत है, किसी भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो जो है हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। और उसकी जो पेन है या जो उसकी किसी भी पर्सन को अगर किसी भी तरह की ज़रूरत है तो वो उनकी हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ओवर मेंबर्स। इंडिविजुअल्स इंडल्जिंग इन एंटी सोशल एक्ट्स आर एक्सट्राडिएटेड फ्रॉम द क्लैन। इन दिस वे द कंडक्ट ऑफ क्लैन मेंबर्स इज कंट्रोल। एक्सट्राडिशन फ्रॉम द क्लैन इज मोर इफेक्टिव एंड डिजास्ट्रस देन इवन अ डेथ सेंटेंस फॉर द मेंबर्स। अब कंट्रोल किस तरह से है, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो क्या करते हैं, उसको वहाँ से उस क्लैन से बाहर ही निकाल देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो उनके मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं क्लैन पे कंट्रोल है। अब जो उनका उस पर्टिकुलर ग्रुप से किसी को बाहर निकाल देना जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सोशल ये एंटी सोशल एक्टिविटी, उसकी वजह से जो वो जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और डिज़ास्ट्रस होती है, इवन अ डेथ सेंटेंस फॉर द मेंबर्स। मतलब अगर हम क्लैन की बात करें तो क्लैन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है उनके मेंबर्स पे या उनकी एक्टिविटीज़ पे। नेक्स्ट इज़ द लीगल फंक्शन। इट इज़ अ यूनिवर्सल लीगल फंक्शन ऑफ द क्लैन टू पनिश मिसक्रीट्स एंड मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन दिस मैनर। अब लीगल फंक्शन क्या है कि क्लैन जो है, क्लैन के ग्रुप का कोई भी मेंबर किसी भी तरह का अगर कुछ भी अगेन वही कुछ भी एंटी सोशल एक्टिविटी या इलीगल तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उसको पनिश भी कर सकते हैं कल्प्रिट को, एंड सो दैट दे कैन मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन दी ग्रुप। नेक्स्ट इज द एक्सोगैमी। विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ एक्सोगैमी द क्लैन अरेंजेस मैरिज फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप। दिस ऑन द वन हैंड अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट विद इन द क्लैन बिटवीन मैन फॉर अ वूमन एंड ऑन द अदर हैंड सर्व्स टू इंक्रीज कॉर्डियलिटी एंड फ्रेंडशिप विद द मेंबर्स ऑफ द अदर क्लैंस। अब यहाँ पे एक्सोगैमी का रूल फॉलो होता है मैरिज के लिए जस्ट बिकॉज, क्यों, बिकॉज उनमें आपस में ब्लड रिलेशन है, सो दे अवॉइड टू गेट मैरिड विद इन देयर ओन ग्रुप। और साथ में
इसका रीज़न क्या एग्जोगैमी का, सो दैट वो अवॉइड कर सके किसका, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द क्लैन बिटवीन मैन फॉर अ वूमन. और इस वजह से क्या होता है, एक दिन को कॉर्डियल रिलेशन भी बना रहता है विद द अदर क्लैंस एज वेल जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जोगैमी. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंटल फंक्शंस. द क्लैन परफॉर्म्स ऑल द गवर्नमेंटल फंक्शंस फॉर इट्स मेम्बर्स. द हेड ऑफ द वेरियस क्लैन मीट एंड फॉर्म अ कमिटी फॉर द ट्राइब विच सर्व टू मीडिएट इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लैन मेम्बर्स एंड टेक्स पोलिटिकल डिसीजंस इन वॉर एंड पीस टाइम. अब जो क्लैन है जो, वो गवर्नमेंटल फंक्शंस भी रोल प्ले करता है. किस तरह से, जो उनके हेड्स हैं वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी किसी भी तरह की मेंटेनेंस है या किसी तरह की प्रॉब्लम है अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्लैन उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. इवन अगर किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो वॉर के टाइम या किसी भी टाइम पे, तो दे टेक दैट डिसीजन एज वेल. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी. इन द विलेज वेयर एग्रीकल्चर इज कैरीड ऑन, इट इज़ द क्लैन विच अरेंजेस फॉर एग्रीकल्चर लैंड. The head of the clan distributed the land. When a person is deprived of membership of the clan, he is also deprived of this land. Members can only rent the land. अब प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जैसे कहीं विलेजेस में एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर का काम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो क्लान है वो क्या करती है, अरेंज करती है एग्रीकल्चर लैंड. जो हेड ऑफ द क्लान है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैंड को विद इन द पीपल. अगर कोई पर्सन जो है वो डिप्राइव हो जाए, मतलब उसको क्लैन की मेंबरशिप से हटा दिया जाए, उस रीज़न से जो है उस वो डिप्राइव किसे कर जाता है, लैंड से भी, और साथ में मेंबर जो है वो सिर्फ लैंड के लिए रेंट पे कर सकते हैं. थैंक यू.